नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर रिव्यूज एंड रेसिपीज बाय रामेश्वरी। मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ क्लिक करके मेरे चैनल पर विजिट करें। थैंक यू। आज हम मॉर्फी रिचर्ड हैंड ब्लेंडर इस्तेमाल करके हम इडली बैटर कैसे तैयार कर सकते हैं, इसका डेमो देखने वाले हैं। नॉर्मली हम इडली बैटर मिक्सर में डालकर बनाते हैं, तो ये क्वांटिटी का समझो बैटर है, तो हमें दो बार डालना पड़ता है मिक्सर में। और मिक्सर में अगर हम ज़्यादा देर बैटर रखते हैं तो वो बैटर गर्म भी हो जाता है। यहाँ पर जिस बर्तन में मैंने ये चावल, उड़द दाल और चना दाल भिगो के रखी थी, उसी बर्तन में मैं ब्लेंडिंग करके ये आटा बैटर तैयार कर रही हूँ। शुरुआत में ब्लेंडिंग करते वक्त मैंने इसमें पानी एकदम थोड़ा रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि छींटे उड़े पानी के, इसलिए मैंने थोड़ा ही पानी इसमें पहले डाला है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मिक्सचर है राइस और दोनों दालों का, वो थोड़ा पहले ब्लेंड हो जाए। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, ताकि जो बैटर है वो अच्छे से मूव करे ब्लेड के साथ और बारीक हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो मिक्सचर हमारा, उसमें थोड़ा पानी भी हो। इससे ये होगा कि स्मूथ मूवमेंट होगा ब्लेड का, और स्मूथ मूवमेंट होगा तो मोटर गर्म भी नहीं होगी जल्दी। आप जानते ही हैं कि इडली का बैटर जो है वो पतला नहीं होता है, वो थोड़ा मोटा ही रखना होता है, इसलिए ब्लेंडिंग करके वो बैटर तैयार करना आसान है। ये बैटर ब्लेंडिंग करते वक्त आपका मोटर अगर गर्म हो जाए तो आपको एक ब्रेक लेना होगा। ये मोटर और ब्लेड अलग कर दीजिए और एक 15 मिनट के लिए वो मोटर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। सही मात्रा में अगर आप पानी डालेंगे तो ब्लेंडिंग का मोटर गर्म भी नहीं होगा और सही से ब्लेंडिंग हो जाएगा, जल्दी ब्लेंडिंग हो जाएगा। ब्लेंडिंग करके इडली बैटर तैयार करने का एक फ़ायदा ये है कि जो बैटर है वो गर्म नहीं होता है, जैसे कि मिक्सर में होता है वैसा इसमें नहीं होता है। हाँ, लेकिन ब्लेंडिंग का जो मोटर है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि ब्लेंडिंग करते वक्त जो हमारा बैटर है वो गर्म नहीं होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रहता है, तो उसके स्वाद में भी फ़र्क आएगा। मुझे लगता है मिक्सर में बैटर बनाना, फिर वो मिक्सर धोना, इससे अच्छा है उसी बर्तन में मैं ब्लेंडिंग करके इडली का आटा आसानी से तैयार कर सकती हूँ। इसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगे हैं, और दो बार मुझे ब्रेक लेना पड़ा है, क्योंकि ये मोटर गर्म हुआ था ब्लेंडर का और मुझे उसे ठंडा करने के लिए ब्रेक लेना पड़ा है। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है और आप हैंड ब्लेंडर ख़रीदना चाहते हैं, तो कई कंपनीज़ के ब्लेंडर्स उपलब्ध हैं बाज़ार में। आपको लेना है तो आप ऐसा भी ले सकते हैं जिसमें जो ब्लेंडिंग के ब्लेड्स हैं 2-3 रहते हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके साथ साथ ब्लेंडिंग मोटर का जो स्पीड है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उस तरह का आप ब्लेंडर अगर लेंगे तो इस तरह के जो बैटर है जिसमें राइस वगैरह रहता है और जो जिसे पतला करना रहता है, तो उस तरह के ब्लेंडर से ये सब काम करना आसान हो जाएगा। तो अगर आपको ब्लेंडर ख़रीदना है तो स्पीड वेरिएशंस रहते हैं, वैसा वाला ब्लेंडर लें। ये मेरा वाला जो मॉर्फी रिचर्ड्स हैंड ब्लेंडर है उसकी एक ही स्पीड है और उसका ब्लेड भी एक ही है। और ऐसे भी हैंड ब्लेंडर मिलते हैं बाज़ार में जिसके हम अटैचमेंट्स चेंज कर सकते हैं। समझो आप ज़्यादा केक्स, मफिन्स वगैरह बनाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इसी ब्लेंडर को मिक्सर का अटैचमेंट आता है। इस तरह से 2-3 अटैचमेंट वाला भी ब्लेंडर मिलता है बाज़ार में। अगर आपको उसकी आवश्यकता है तो आप वैसा वाला हैंड ब्लेंडर खरीद सकते हैं। तो ये देखिए, ब्लेंडिंग करके
धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर मैंने ये मिक्सचर को ब्लेंड किया है और अब मेरा इडली बैटर तैयार है। अब इसे मैं रात भर रखने वाली हूँ दूसरे दिन सुबह तक, जिससे कि ये मिक्सचर का फर्मेंटेशन हो और ये बनाने के लिए तैयार हो जाए। मैं आपको इडली बनाकर भी दिखाने वाली हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इस कंसिस्टेंसी के बैटर से किस तरह की इडली बनेगी। तो ये देखिए, दूसरे दिन सुबह ये मेरा बैटर फर्मेंटेशन होके तैयार है इडली बनाने के लिए। अब इडली प्लेट्स को ऑयलिंग करेंगे और उसमें इडली का बैटर डाल के 15 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। तो मिक्सर में इडली का बैटर बनाने से आसान है, आप उसी बर्तन में हैंड ब्लेंडर की मदद से इडली का बैटर बनाएं और अपना काम आसान बनाएं। ये ट्राई करके ज़रूर देखें, सच में काम करता है और आपका वक्त और मेहनत भी बचाता है। ये देखिए, हमारे स्मूथ और सॉफ्ट और टेस्टी इडली तैयार है खाने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कुछ क्वेरीज है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मेरे मॉर्फी रिचर्ड्स का हैंड ब्लेंडर का डेमो का वीडियो भी ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए रिव्यूज़ एंड रेसिपीज़ बाय रामेश्वरी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।